Hello, my dear student of class 7. Welcome to the online classes of Aao Padhe. And today, I have one wish for you. May this year bring lots of happiness and lots of good health for everyone. So, student, today I'm going to teach you a new lesson, reproduction in plants. So, student, let's come with me. First question may rise, what is reproduction and why reproduction is necessary? Okay, so hum kehte hain ki reproduction is the process by which the animal and plant organism produce their same kind of young ones. Okay, yani apne jaise hi young one ko produce karna kya kehlayega? Reproduction. And why reproduction is necessary? Reproduction इसलिए जरूरी होता है कि हम किसी भी species को maintain रखने के लिए reproduction या नए young ones पैदा होना जरूरी है, क्योंकि old one या old plants क्या होते हैं, dead हो जाएंगे. तो dead होने के बाद में अगर new plant अगर हम grow नहीं करेंगे या new young ones नहीं होंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी species क्या होगी, लैंडसर खत्म हो जाएगी. तो उनको existence से बचाने के लिए और उनके number of species और variety को maintain रखने के लिए reproduction. Okay, so in this part we are discuss about the mode of reproduction in the plants. Alright, so plants having the two kinds of reproduction. Okay, vegetative parts or reproductive part. So reproductive part hoga flower and fruit, yani flowers se uske andar male and female gametes present hote hain, which is very necessary for reproduction. Okay, so reproductive part is known as flower and fruit, whereas vegetative part rather than flower and fruit, all the parts is known as vegetative part, like stem, branches, leaves, twigs, buds, all are the vegetative part. Alright, so in the plants, sexual reproduction is divided into two categories, sexual reproduction or asexual reproduction. सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे कि ऐसा जिसमें न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग सीड, यानी बिना सीड के अगर न्यू प्लांट ग्रो होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मेल और फीमेल गैमेट की हेल्प से और सीड की हेल्प से न्यू प्लांट ग्रो होता है तो वी नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, फ्लावर. ओके, सो शूट क्या होता है कि यंग प्लांट जो नया निकलता है उससे हम क्या कहेंगे, शूट. ओके, जिससे स्टेम ब्रांचेस लीव्स निकलती है. एंड नोड्स क्या होते हैं कि प्लांट के जो स्टेम के अंदर जो नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी शुगर कैन हम देखते हैं तो बीच में गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस गांठ लाइक स्ट्रक्चर को नोड कहते हैं और दो गांठों के बीच के स्पेस को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड. ऑलराइट, वेजिटेटिव बर्ड यानी ऐसी बर्ड जिसको जो शूट में कैपेबल होती है, लीव्स में कन्वर्ट होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव. वेजिटेटिव वर्ड जहां पे आया है उसका मतलब बिना रिप्रोडक्शन के उसमें न्यू ग्रोथ हो रही है. तो वेजिटेटिव बर्ड क्या होगी, ऐसी बर्ड्स विच इज प्रेजेंट इन द लीव एंड दे आर डेवलप्ड इनटू द शूट. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द रिप्रोडक्ट कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फ्लावर, दिस इज द रिप्रोडक्टिव शूट. ओके, यहां से शूट से क्या निकल रहा है, फ्लावर. सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव शूट, दिस इज द एपिकल बर्ड जिससे कि फ्लावर डेवलप होगा. दिस इज द नोड, लुक एट द पिक्चर, जहां से ब्रांचेस की ट्विग्स की लीव्स निकल रही है या निकल रही है, ग्रो हो रही है, और दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड. दिस इज द एपिकल बर्ड, क्योंकि यहां से क्या निकलेगा, फ्लावर कन्वर्ट हो रहा है. वेजिटेटिव शूट, क्योंकि यहां पर वेजिटेटिव पार्ट ग्रो हो रहे हैं. दिस इज द एक्सिली बर्ड, क्योंकि यहां से लीव्स डेवलप हो रही है. तो इस कंप्लीट को हम कहेंगे शूट सिस्टम, और जो जमीन के नीचे होगा उसे हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम. ओके, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि कैन बी मल्टीप्लाई विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मिला मेल और फीमेल के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन होता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स और अदर पार्ट जो होते हैं प्लांट के, वो रिप्रोडक्शन करके दे आर ग्रो एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स. ओके, और न्यू प्लांट क्या होगा, सेपरेट हो जाता है, ओरिजिनल प्लांट से अलग हो जाता है. सो मोस्ट प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस वेजिटेबली इन नेचुरल यूजिंग हैविंग स्मॉल डॉटर प्लांट ग्रोइंग अराउंड देम. ओके, लाइक अ बनाना.
सो अलग अलग पार्ट से वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होता है. फर्स्ट वी डिस्कस दी रूट. ओके सो मेनी ऑफ दी प्लांट लाइक स्वीट पोटेटोज एंड डहेलियाज हैविंग अ रूट ओके विच आर स्वेलन इन ट्यूबरस फॉर्म बिकॉज ये फूड को स्टोर करके रखती है. ओके सो इन दी क्लास सिक्स वी डिस्कस की डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं. तो सिमिलरली जो स्वीट पोटेटोज एंड डहेलिया है उनकी रूट जो होती है फूड को स्टोर करके रखती है एंड दे आर कैपेबल टू ग्रो इन टू द न्यू प्लांट. तो जब हम इन्हें सेपरेट करते हैं और जो फेवरेबल कंडीशन यानी प्रॉपर उन्हें एटमोस्फियर मिलता है देन दे ग्रो इन टू द न्यू प्लांट. राइट. सिमिलरली सम प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं. ओके यानी जमीन के इनसाइड में रहते हैं और उनके भी किसी भी पार्ट को हम डिटैच करते हैं और न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो वो कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द स्टेम लाइक फर्न्स बैम्बूज जिंजर बनाना टर्मरिक दे आर ऑल आर द अंडरग्राउंड स्टेम एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द अर्थ सरफेस. ओके सो इनको हम जो हॉरिजॉन्टली अर्थ की सरफेस के इनसाइड में ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं राइजोम्स. और राइजोम से क्या निकलती है और बर्ड और हर एक बर्ड को अगर हम कट करके ग्रो करते हैं तो नया उतने ही नए प्लांट्स ग्रो होते हैं लाइक अ ट्यूबरस फॉर्म. ओके दिस इज द पोटैटो. इन द पोटैटो के ऊपर जो आई लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होती है उस आई लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम कट करके अगर हम उसे अगेन सॉइल में पुट करते हैं तो दे ग्रो इन टू द न्यू प्लांट्स. ओके सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्टेम टू डेवलप द न्यू प्लांट. ऑलराइट. नाउ द रनर्स इन सम ऑफ द प्लांट दे आर ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द लैंड. वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रासेस. You all know that, okay? तो वो जब horizontally grow करते हैं तो उनका जो roots होती है वो horizontally grow करती रहती है और new roots निकलती है और वहां से new shoot develop हो जाती है. Like many plants having a long thin stem called runners and they grow horizontally and parallel to the ground. A runner most often take roots and sprouts new leaves whether it attached to the soil. तो जो part उसका soil से attached हो गया वहां से उनकी new roots and shoot निकल जाएगी. And most of the grasses or strawberry plants are the propagated by the runner's form. Okay? Now bulb, look at the picture like onion, ginger, turnip, they having a bulb-like structure. Okay? So this is the stem portion. Okay? Which we eat. प्याज का जो portion हम खाते हैं वो क्या होती है? Stem होती है. और we are using the leaf in the winter season also. Okay? प्याज की हम जो leaf portion है उसे भी winter season में use करते हैं. तो जो उसका bulb-like portion होता है उसे अगर हम अगर हम उसे सॉइल में ग्रो करते हैं तो दे आर कन्वर्टिंग टू द न्यू प्लांट. ओके सो दिस इज ऑल्सो द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ कटिंग इज अ वेरी सिंपल लाइक मनी प्लांट शुगर कैन उनके हम नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में से एक पोर्शन को कट करते हैं एंड अगर हम उसे प्लेस करेंगे सो दे कन्वर्ट इन टू द न्यू प्लांट. नाउ लीव्स यू ऑल नो दैट द लीव ऑफ द ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा दे प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड ऑफ द मार्जिन. ओके तो इनकी हर एक ग्रूव से क्या निकलती है न्यू बर्ड्स निकलती है. और अगर ये मेन प्लांट से डिटैच होती है यानी मेन प्लांट से सेपरेट होकर जब सॉइल में अलग होती है तो हर एक ग्रूव से उनकी नई शूट जो डेवलप होती है वो न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए कैपेबल होती है. सो रिमेम्बर दैट द ब्रायोफिलम द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स बाय द लीव्स. नाउ सम हैविंग जनरली आपने देखा होगा कि इन द रेनी सीजन हमारे सराउंडिंग एरियाज में हम देखते हैं कि क्या होता है बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी काई जमी हुई हमें नजर आती है ऑन द पॉन्ड साइड्स और इन द रेनी सीजन नियर द सॉइल और ऑफ द वॉल्स. ओके सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि रेनी सीजन में दे हैविंग अ प्रॉपर कंडीशन अवेलेबल होती है जिसकी वजह से वो क्या होती है लार्ज नंबर में ग्रो होती है. और डू यू नो दैट उनकी एक रिमेंबर एक कैपेबिलिटी होती है कि उनका जो भी पार्ट जितना भी कट होता है यानी स्मॉल से स्मॉल पोर्शन भी अगर हम उसका कट करते हैं दे ग्रो दे स्प्रेड ऑन द अदर रीजन दे ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स. ओके यानी उसका हर एक पार्ट में कैपेबिलिटी होती है कि अगर हम उसका कितने भी छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं हर एक पीसेस से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. ओके सो इन द स्पायरोगायरा जो कि एक फ्रेश वाटर एल्गी है इट्स ग्रो बाय द फाइन थ्रेड When the condition is ideal, ideal condition कब होगी जब उन्हें proper moisture, sunlight and water available होता है. So they are enough nutrients are available in the water and they grow into the new plant. Alright. Artificially methods से भी हम vegetative propagation कर सकते हैं very simple by the cutting. Okay, look at the picture. Rose की एक twig को हमने cut किया और उसे हमने plant में grow कर दिया then they grow into the new plant after the some time.
सिमिलरली ग्रिफ्टिंग, ग्रिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड प्लांट दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट ऑफ एनी डिजीज इज टेकन एज द बेस प्लांट. ऐसा प्लांट लेंगे जिसमें कोई भी तरह की डिजीज नहीं होती है, दे आर स्ट्रॉन्ग. ओके, यानी बहुत हेल्थी प्लांट होता है. तो उसके नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, स्टॉक. और स्टेम कटिंग और द अनदर प्लांट ऑफ द गुड वेराइटी इंस्टेंस ऑफ द स्टेम ऑफ द स्टॉक, यानी जो ऊपर हम यूज करते हैं उनमें स्मॉल इंजेक्शन करेंगे. तो ग्राफ्ट और स्टॉक दोनों को हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं और उनको फ्यू वीक्स के लिए हम टाई कर देते हैं, यानी बांध देते हैं. तो जब इनके दोनों के टिश्यूज आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम आपस में अटैच हो जाते हैं, देन दे आर कन्वर्टिंग टू द न्यू प्लांट्स. ओके, सो हम किस लिए करते हैं, ट्रीज में और शर्ब्स में करते हैं, सो वी गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ और गुड वेराइटी ऑफ प्लांट. ओके, नाउ लेयरिंग. ओके, जो हमने ग्रासेस में पढ़ा था लाइक जैस्मिन एंड ग्रेपवाइन, उनकी जो लोअर ब्रांच होती है उसे हम बेंड करके अगर सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं तो वहां से रूट्स निकल जाती है, दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट. नाउ द सेकेंड पोर्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. ओके, रेदर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें डेवलप होगा, कंप्लीट होगा इन द फ्लावर. ओके, सो फ्लावर ऑफ द प्लांट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. क्यों होता है, बिकॉज दे हैविंग अ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट. सो मेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, स्टीमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहेंगे, पिस्टल. ओके, सो ऐसे फ्लावर जिसमें कि स्टीमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई सेक्सुअल पार्ट, मीनिंग बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स टू सेक्सेस, यानी मेल और फीमेल बोथ आर प्रेजेंट. एज एग्जाम्पल लिली, रोज, ब्रिंजल, हिबिस्कस, पिटूनिया एंड मस्टर्ड. सिमिलरली अगर फ्लावर्स कंटेनिंग आइदर मेल और फीमेल, यानी कोई एक ही मेल या फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट. यूनिसेक्सुअल मीन्स यूनि मीन्स वन, सेक्सुअल मीन्स एक्स, यानी मेल और फीमेल, यानी आइदर मेल और आइदर फीमेल इज प्रेजेंट इन फ्लावर, सो वी नोन एज यूनिसेक्सुअल, लाइक पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, कोकोनट एक्सेट्रा. सो द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द स्टीमन कंसिस्ट ऑफ द एंथर. ओके, यानी मेल का जो स्टीमन पोर्शन होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, सो लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट पार्ट. ओके, सो इन साइड द एंथर, अगर हम एंथर को इन साइड से देखते हैं, सो इन साइड द एंथर हैविंग अ पोलन सेक, क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सेक. उसके अंदर क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो कैसे होते हैं, पाउडरी फॉर्म्स में, और उन्हें ही हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट. ऑलराइट, सिमिलरली फीमेल गैमेट को हम पिस्टिल कहते हैं. दे हैविंग थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो स्टिग्मा पोर्शन पर पोलन आकर जब गिरते हैं और वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचते हैं. तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एग. ऑलराइट, सो सम अदर पार्ट इज नोन एज सेपल्स एंड पेटल्स. ओके, सेपल्स जो होते हैं ग्रीन कलर के पोर्शन होते हैं, पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल पोर्शन होते हैं जो कि यूजुअली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. और एक ही फ्लावर के अंदर अगर चारों होल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर. और अगर किसी प्लांट में सेपल्स एब्सेंट होते हैं या मेल और फीमेल में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर. ओके, सो जब पोलन जो होते हैं, मेल गैमेट से जब वो फीमेल पर ट्रांसफर होते हैं, सो व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही होना चाहिए, यानी रोज के पोलन रोज के प्लांट को ही पोलिनेट करेंगे, यानी रोज के जो है वो पपाया को या बनाना के प्लांट को फर्टिलाइज नहीं कर सकते. ओके, सो अगर पोलन अगर हम लेते हैं किसी भी प्लांट के और फ्लावर के, और वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर जाकर पॉलिनेट करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर फ्लावर जो होते हैं वो स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनादर प्लांट यानी किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो लुक एट द पिक्चर. ओके, इन दिस पिक्चर पोलन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं. और लुक एट द पिक्चर, अगर उसी फ्लावर के दूसरे एक प्लांट के एंथर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन, या उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन. लुक एट द पिक्चर, अगर इसी में ट्रांसफर हो रहा है दिस इज द सेल्फ पोलिनेशन, और एक प्लांट का दूसरे में हो रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन.
आफ्टर पॉलिनेशन. अब क्या हुआ कि पोलन्स जो थे वो स्टिग्मा तक पहुंच गए. लुक एट द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ पिस्टन. यहाँ पर स्टिग्मा तक पहुंच गए पोलन. तो पोलन एक ट्यूब बनाते हैं जो स्टाइल से होते हुए ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर पहुंचती है, और इस ट्यूब के अंदर से ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हुए एग सैक तक पहुंच जाते हैं. और यहाँ पर जाके दोनों क्या होंगे, मेट हो जाएंगे. यानी एग और पोलन्स आपस में दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और नई सेल बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. और जब ये जाइगोट डेवलप्ड होता है तो जाइगोट को डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड. जो द फर्टिलाइज एग सेल बिगिन टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा तो मेक अ सीड. और सीड के बाहर एक सीड कोट होती है जो सीड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. ऑलराइट, सो द एम्ब्रियो जो अगर हम पानी में सोक करते हैं तो हम देखते हैं कि स्प्राउट्स निकल जाते हैं सीड्स में. तो स्प्राउट्स के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमल. तो रेडिकल से तो क्या बनता है, रूट सिस्टम, और प्लूमल से क्या बनेगा, शूट सिस्टम. और अगर हम बीज को दो भाग में डिवाइड करते हैं तो वो टू उसके क्या कहलाएंगे, प्रोटाइगोन्स. ओके, ये इसके क्या है, प्रोटाइगोन्स. ऑलराइट, सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज द प्लांट. प्लांट के अंदर हमने देखा कि फ्रूट से फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट डेवलप्ड हुआ. फ्रूट के इनसाइड में सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू द सीडलिंग, और सीडलिंग से न्यू प्लांट ग्रो होता है. ऑलराइट, सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो हम कहते हैं कि सीड जो बनता है, ओके, कि सीड में एम्ब्रियो होता है जिससे नया प्लांट बनता है. सो अ प्लांट में रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड, एंड ईच सीड रिक्वायर्स स्पेस, मिनरल, सनलाइट एंड वाटर फॉर इट्स डेवलपमेंट. If all the seeds produced of the plants fall below the plants, they will compete with each other and for their requirement and may not get enough of their of many of the seeds may die. अगर उसी पौधे के seeds वहीं गिरे तो क्या होगा, उसी area में उसी के plants grow होंगे, और बहुत ज्यादा ज्यादा पास में होने की वजह से बहुत सारे plant dead हो जाएंगे, क्योंकि सब plants की roots को फैलने के लिए space नहीं मिलेगा, सबको proper nutrition नहीं मिलेगा, सबको proper sunlight नहीं मिलेगी, so they become dead. सो नेचर जो होता है, दे डेवलप्ड अ नोवल मेथड कि हम सीड को स्कैटर करेंगे बहुत दूर तक ऑन द लार्ज एरिया, उसको ही हम क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल. तो सीड डिस्पर्सल के लिए ही क्या करना पड़ता है, उनको न्यू हैबिटेट मिलती है और प्रॉपर स्पेस मिलता है, सो दे आर ग्रोइंग वेल. सो व्हाट इज द मेथड, बाय द विंड. बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक कि उनके ऊपर ड्रम स्टिक और जो मैपल्स होती है, कॉटन्स होती है, उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी विंग्स होते हैं, और दे आर लाइट इन दी वेट. तो लाइट वेट की वजह से वो हवा के साथ एक जगह से फ्लो होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. सिमिलरली वाटर, वाटर में भी डिस्पर्जल होता है. लाइक लोटस फ्रूट जो होता है वो स्पॉन्जी होते हैं और लाइट वेट के होते हैं. सिमिलरली जो कोकोनट होते हैं उनके थिक फाइबरस कोट होती है, और जब वो पानी में फ्लोट होते हैं तो फ्लोट होते होते उनकी जो कोटिंग होती है वो सड़ जाती है, एंड दे कन्वर्ट इनटू द सीड. उनका जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और वेन एवर दे आर कॉन्टेक्ट विद द लैंड तो वहां पर वो सॉइल में ग्रो कर जाते हैं. सिमिलरली एनिमल्स की फर में भी बहुत सारे सीड्स जो होते हैं, जब वो प्लांट्स के पास से निकलते हैं या अपनी बॉडी को उनसे अटैच करते हैं तो बहुत सारे सीड जो होते हैं उनकी बॉडी पर गिर जाते हैं, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं तो उनके वो सीड जो होंगे वो गिर जाएंगे और वहां पर न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. और वेन एवर हम ईट करते हैं तो उसके बाद में भी हम सीड्स को बाहर थ्रो कर देते हैं, एंड वेन एवर दे नीड अ प्रॉपर कंडीशन देन दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स. सिमिलरली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं. ड्राई होने की वजह से उनके सीड क्या होते हैं, बहुत दूर, बहुत तेज एक्सप्लोज होने की वजह से. लुक एट द पिक्चर, जैसे लेडी फिंगर है, वो ड्राई होने के बाद में एक्सप्लोज हुई. एक्सप्लोज होने से उसके सीड जो होंगे वो बहुत दूरी तक गिरते हैं, एंड दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स. सिमिलरली आफ्टर दैट द सीड, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्रूट बिगिन टू फॉर्म ओनली आफ्टर द एग सेल इज फर्टिलाइज. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में ओवरी जो होती है वो फूल जाती है, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट की बाहर की वॉल बनाती है, और जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो ड्राई होकर गिर जाते हैं, और ओवरी से नया फ्रूट बन जाता है, और इनसाइड द एग से क्या बन जाता है, सीड बनता है. ऑलराइट स्टूडेंट, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7, और हियर योर चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड. सो स्टूडेंट, I hope you clearly understand about the reproduction in the plants. So, if you have any of the doubt, then comment me in the comment section. And notes and question answer you got in the PDF form below the link. Okay? So, don't forget to subscribe my channel and
If you have complete your chapter and read this chapter carefully, then like my channel also. So student, I hope you clearly understand this topic very well. Thank you.